भी देखा है, उसके बारे में बताइए। किससे मुखातिब हैं? आपसे। अच्छा जी जी सर, देखिए जो सबसे बड़ी खूबी इस गाने की ये है कि बड़े अच्छे वर्जिन लोकेशंस हैं। अक्सर ये होता है कि उन्हीं घिसे पिटे लोकेशंस पे गाने शूट होते हैं, आप 5000 मरतबा वो लोकेशन देख चुके होते हैं तो उसमें कोई फ्रेशनेस नहीं होती है। दूसरी खूबी ये है कि इसमें कोई कोरियोग्राफर नहीं है, डायरेक्टर नहीं ये गाना पिक्चराइज किया है। बड़े बड़े डायरेक्टर जो हैं जब गाना पिक्चराइज होने का वक्त आता है तो उन्हें कोरियोग्राफर की जरूरत पड़ती है, लेकिन इन्होंने बताते खुद ये गाना किया है अदर साहब ने, और वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। लोकेशन बहुत अच्छी है, बड़े अच्छे कलर्स हैं और जो एरियल शॉट्स लिए हैं वो भी बहुत खूबसूरत हैं। बहुत ही मेलोडियस गाना है और दोनों नए एक्टर्स ने कमाल किया है, और आज सूफियान का जन्मदिन है, पैदाइश योम पैदाइश है। देखिए कलाकार के दो जन्मदिन होते हैं, एक तो वो होता है जिस दिन वो पैदा होता है, और एक जन्मदिन वो होता है जिस दिन उसका काम जनता के सामने आता है। क्या बात, बिल्कुल सर। तो आज सूफियान के दो जन्मदिन हैं, दो योम पैदाइश हैं, दो बर्थडे हैं, तो दिल की गहराइयों से मैं मुबारकबाद देता हूं और दुआ करता हूं कि ये दोनों बच्चे जो हैं ये तरक्की के रास्ते पर चलते रहें। सब गए होते हैं, लता मंगेशकर ने पहला गाना गाया होगा, सचिन तेंदुलकर ने पहला रन बनाया होगा, अमिताभ बच्चन ने पहला शॉट दिया होगा, दिलीप साहब ने पहला शॉट दिया होगा। तो शुरुआत जो है सबकी होती है और बहुत अच्छी शुरुआत है इन दोनों की। तो यही कहूंगा कि इब्तिदाई इश्क खैर होता है क्या, इब्तिदाई इश्क खैर होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है। क्या बात है। तो प्रिया बहुत अच्छी लगी है, बहुत अच्छी लगी है, और स्टार मटेरियल है बिल्कुल यकीनन, और सूफियान बिल्कुल फौजी लगा है, बड़ा खूबसूरत फौजी लगा है। और बहुत देखिए दिन में भी गाना किया है, रात में भी किया है, और जो लोकेशंस का चयन है वो बहुत खूबसूरत है। तो मैं देता हूं अपनी तरफ से इसे 5 स्टार 5 आउट ऑफ 5। थैंक यू सर, फाइव आउट ऑफ फाइव मैं स्टार देता हूं, और मेरी नेक ख्वाहिशात मेरी दुआएं इन बच्चों के साथ हैं, ये दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, और इब्तिदा जो है बहुत अच्छी हुई है यकीनन, कि इब्तिदा इश्क खैर होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या, इब्तिदा बहुत अच्छी हो गई है। सिंगर फीमेल सिंगर और मेल सिंगर ने बहुत सुरीले गाने गाए हैं इसमें यकीनन, और म्यूजिक बड़ा अच्छा है। तो हर डिपार्टमेंट जो है उसने 100 out of 100 स्कोर किया है मेरी तरफ से। तो मेरी तरफ से सब मुबारकबाद के मुस्तक हैं, और मोहब्बत के अल्फाज नहीं हैं, ये मोहब्बत का इतिहास है। क्या यही कहूँगा, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और ये कहूँगा मीडिया वालों से कि जो इतनी बड़ी तादाद में आप लोग यहाँ आए हैं, आपके बिना तो बात बनती ही नहीं है, आप हमारी बात जनता तक पहुंचाते हैं, आपके बिना तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। और आप इतनी बड़ी तादाद में आए हैं, अक्सर ऐसा होता है कि बड़े स्टार्स होते हैं तो उनकी महफिलों में बहुत पहुंचते हैं, लेकिन जहां न्यू कमर्स होते हैं वहां कम ही दिखाई देते हैं, लेकिन आज मीडिया जो है फुल स्ट्रेंथ में आई है। तो रजा मुराद अपनी तरफ से आप सबका दिल की गहराइयों से जाती तौर पर आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। भाई आपका कहना चाहेंगे जी, सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, सारी विशेष और जितने भी प्यार और मोहब्बत आप लोगों ने लुटाई है, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, इसीलिए इस रिटर्न गिफ्ट के तौर पर मैं आपके लिए ये गाना लेकर आया हूँ, मोहब्बत के अल्फाज। तो उम्मीद है कि ये गाना बहुत ज़्यादा आप लोगों को पसंद आएगा, और बहुत मेहनत की है नो डाउट, कई लोकेशंस पर हम लोग भागे हैं, कई बार क्या होता है कि एक्टर बड़ी मेहनत करता है बट पर्दे पे वो दिखाई नहीं देती है, बट वो मेहनत डेफिनेटली जैसे रजा अंकल ने कहा कि इब्तिदा बहुत अच्छी हुई है और मेहनत हमने बहुत ज़्यादा की है, तो अब आप लोगों का काम है
जितने भी दर्शक आप सबके माध्यम से देख रहे हैं कि ये हमें मोहब्बत दें, इस गाने को पसंद करें, लाइक करें, शेयर करें और जितनी हो सके उतनी मोहब्बत इसे शेयर करें, प्यार देते रहें, इसी तरह हमें शावर करते रहें अपनी ब्लेसिंग्स। तो शुक्रिया भाई, ये गाना आप दोनों के लिए नई तजुर्बा था, तो आपको जो शूटिंग चल रहा था दैट टाइम, आपको जो कैमरा फेस करने आप तो जो डायरेक्शन दे रहे थे, कितना आपको मुश्किल जैसे ये मेरा सेकंड सॉन्ग है, दूसरा गाना है, इसके पहले शायद यही प्यार है हमारा गाना आ चुका है अल्ट्रा पे, और ये जो गाना है बिफोर यू पे बहुत ही कमाल का है। हमारी जो को स्टार हैं, को एक्टर हैं प्रिया जी, उनका ये फर्स्ट सॉन्ग था, सो बड़ा मज़ा आया। मेरी भी शुरुआत ही है, मैं भी सीख रहा हूँ। मेरा पहला शॉट जिंदगी का जो लगा था, ये हमारे जावेद भाई खड़े हैं उनके साथ में पहली मतलब मेरी जिंदगी का मुहूर्त का शॉट जावेद भाई के साथ लगा था, और माशाल्लाह वो भी वन टेक था, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ऊपर वाले का करम है। और जो ये हमारे इतने दिग्गज बड़े बड़े जो हमारे सर पर हाथ हैं, रजा अंकल के, पापा के हो गए, अली खान जी के, और भी जितने मेरे सर्कल में जितने, तो इन सब से सीखते रहते हैं, और इन सब की जो शावर्स, इन सब की जो ब्लेसिंग्स हम पर आई है, और बस यही हमारे थ्रू आप लोगों तक पहुंचती है। तो हम लोग जो कुछ भी करते हैं वो इनकी छत्र छाया में रहकर इनसे कुछ ना कुछ सीख करके आगे करते हैं, तो बस वही है। मैं मॉडेस्ट नहीं हो रहा हूँ, मैं बिल्कुल तहे दिल से जो शेर व शायरी सीखता हूँ, जो उर्दू के मेरे जो अल्फाज हैं, मैं कोशिश करता हूँ रजा अंकल को कई बार सीखने की, उनकी शायरियाँ सुनते रहता हूँ उनके सोशल मीडिया पर जा करके, सो बड़ा अच्छा लगता है और अच्छा कुछ सीखने को मिलते रहता है हमेशा। अजहर जी के बारे में क्या कहना है, डायरेक्टर साहब जो इतना अच्छा वीडियो बनाया? अजहर भाई के बारे में मतलब क्या कहूँ, मेरे पास सीरियसली अल्फाज नहीं है। अजहरुद्दीन ने सेंचुरी मारी थी पहली इनिंग में, इस अजहर ने भी पहली इनिंग में सेंचुरी मारी। अजहर भाई प्लीज आइए, तभी आज अजहर जी के बदलों तक खड़े हैं, आइए यहाँ पे। अजहर भाई के बारे में मैं हमेशा एक ही बात कहते रहता हूँ कि अजहर भाई मेरे लिए मतलब कि मेरी जान है, मेरा भाई है, और मतलब मेरी ज़िंदगी का फर्स्ट स्टेज, फर्स्ट माइक अजहर भाई ने मेरे हाथ में दिया था, ठीक है, तो वो एहसान मैं हमेशा याद रखूँगा, उसे कभी नहीं भूलूँगा। और जो शायद ही प्यार है जो लास्ट ईयर मेरा सॉन्ग आया था, वो भी अजहर भाई ने ही डायरेक्ट किया था, और आज मोहब्बत के अल्फाज, तो ये जो इतनी मोहब्बत ये मुझ पर लटाते हैं, इसके लिए मैं इनका जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम है, और ये इनकी मोहब्बत है कि आप बार बार मुझे स्क्रीन पर देखते हैं, और आज मेरे बर्थडे के लिए भी इन्होंने जो ये सरप्राइज प्लान किया और ये जो गिफ्ट प्लान किया है, वाकई मतलब कोई अल्फाज नहीं है। नहीं, इस बात के लिए तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि सब लोग मुझसे बहुत जल्दी अच्छे से जुड़ जाते हैं, क्योंकि तो शुरू से मेरा यही मानना रहा है कि लोग एक दो लोग जोड़ नहीं पाते, यहाँ पे इतने सारे लोग जुड़ जाते हैं जब मैं कोई भी काम शुरू करता हूँ या फिर कभी भी गाना रिलीज करता हूँ, तो मैं मीडिया हो, सेलिब्रिटीज़ हो, एक्टर्स हो, दोस्त है हमारे, परिवार है हमारे, पर उस सबसे पहले मैं बोलूंगा भाई आज सुफियान का जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे टू यू सुफियान, थैंक यू सो मच। और ये मोहब्बत के अल्फाज जो सॉन्ग है, इस सॉन्ग को हम लोगों ने बड़ी शिद्दत, बड़ी प्यार से बनाया है, क्योंकि अल्फाज जो थे कि मुझे लगा कि एक्चुअली जब बात जब आई रजा जी की, तो मुझे लगा एक्चुअली मैं इनको अक्सर देखता था, इनके साथ में जुड़े रहते थे अक्सर, तो मैं भी इन्हें फॉलो ही करता हूँ रजा जी को, तो अल्फाज शब्द जो है ना, वो शब्द एक्चुअली ये टाइटल मैंने पहले लिखा था मोहब्बत के अल्फाज, उसके बाद ये लिरिक्स लिखा गया जो वकील कुरैशी जी ने इसको लिरिक्स लिखा है, फिर हमने अरमान नाजिम के साथ में गाने को रिकॉर्ड किया, और फाइनली आप देख रहे हैं इस वक्त गाना अभी रिलीज हो चुका है बी फॉर यू म्यूजिक पे, तो कॉन्ग्रेचुलेशन प्रिया एंड सुफियान, एंड आप सभी को तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए इस इंटरव्यू पे। जी, आपको कैसा लगा राजा जी? लोकेशंस, लोकेशंस बहुत प्यारी थी, और थैंक यू सो मच कि रजा सर यहाँ पर आए उसके लिए। अल्फाज ही नहीं निकलते सीरियसली, लोकेशन और सूफियान दोनों बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे, और स्टोरी भी बहुत प्यारी है, और आप भी बहुत प्यारी हैं, थैंक यू सो मच। अच्छा, कॉस्ट्यूम सबसे प्यारा तो कॉस्ट्यूम आप दोनों की। जी जी,
अजय जी मैं ये जानना चाहूंगा लोकेशन बहुत खूबसूरत था, कहाँ का लोकेशन है? ये लोकेशन मुंबई का ही है, अगर आप मुंबई में तलाश करेंगे तो मुंबई बहुत ही खूबसूरत है। इससे पहले भी मेरे गाने जो भी आए हैं फासले कम और क्या बोलते हैं हम सब, ये मुंबई की लोकेशन से मोस्टली मैं चाहता हूँ कि मुंबई में शूट करूँ, क्योंकि मुंबई को देखा जाए तो बहुत प्यारी सिटी है, बहुत खूबसूरत सिटी है। लोग अक्सर मुंबई से बाहर जाके शूट करना पसंद करते हैं, पर मैं कहूँगा कि मुंबई को खोजो, अगर मुंबई को देखो अगर तो बहुत ब्यूटीफुल सिटी है। तो मोस्टली सॉन्ग्स मैं मुंबई में ही शूट करता हूँ मैं, और इन दोनों की मेहनत की वजह से ये काम मेरा बहुत अच्छा नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं बिफोर यू पे जाकर मोहब्बत के अल्फाज ये रिलीज हो चुका है और वहाँ पे उसको आप शेयर जरूर करें प्लीज। आज यानी 13 जुलाई 2022 को मेरे बर्थडे के दिन ये गाना रिलीज हो चुका है बिफोर यू म्यूजिक पे। ये मेरे तरफ से नहीं कह सकता मैं, ये जो पूरा गाना है ये रणवीर गहलोत जी की तरफ से पूरा ये गिफ्ट है पूरा ये, तो रणवीर गहलोत जी को मैं कनेक्ट करूंगा जरूर प्लीज। आपने गाना देखा कैसा लगा आपको? मुझे गाना बहुत अच्छा लगा, लिखा बहुत अच्छा, गाना को गाया बहुत अच्छा, और जो डायरेक्टर साहब अजहर साहब ने बहुत अच्छा कोरियोग्राफ किया, अच्छा डायरेक्ट किया, और दोनों का बस आज जनता को नए चेहरे की जरूरत थी, और ये दोनों नए चेहरे माशाल्लाह बहुत अच्छे लगे, और प्रोड्यूसर साहब ने कोई कमी नहीं रखी खर्च में। लोकेशन मुझे तो ऐसा लगा जैसे यशराज जी का मैं लोकेशन देख रहा हूँ, यशराज में ये खासियत हुआ करती थी यशपा साहब ने कि वो आर्टिस्ट को ड्रेस बहुत अच्छा पहनाते थे और लोकेशन अच्छा यूज़ करते थे, वो अजहर साहब ने पूरा किया और प्रोड्यूसर साहब ने गहलोत जी ने बहुत अच्छा लगा। जी गहलोत साहब आप क्या कहना चाहेंगे भाई? मैं ये कहना चाहूँगा कि ये गाना जब शुरू किया हम लोगों ने तो सारा एक मेहनत लगन सारी अजहर हुसैन जी की है, नाम मेरा जो डाला है उन्होंने, सारा काम उन्होंने ही किया है। मैं तो पर्दे के पीछे हूँ और पर्दे के पीछे रहता हूँ, वहीं रहूँगा। अजहर भाई ने बहुत मेहनत करते हैं और कई गाने देखे हैं इनके मैंने, जो उसका काम करने का जज्बा जो इनके अंदर है ना वो सर किसी में देखा नहीं मैंने। लाट नहीं मारा उसके, अपनी मेहनत है भाई है या एक अकेला सब कुछ कर रहा है, वो ये बहुत बड़ी बात है। या आप नेक्स्ट गाने में आने वाले कुछ कुछ रहा है? हाँ नेक्स्ट गाना आने वाला है हमारा, पंजाबी सॉन्ग करने जा रहे हैं हम। क्या बात, दूसरा नाम है ना? इसके पीछे और एक खूबसूरत लेडी है जो ये गाने के पीछे है, नाज जी। हां नाज जी, इनका बहुत आई है, क्रिएटिव रहते हैं। हमें नाज है क्या? नाज है यहां पर, नाज पे हमें नाज है। चलिए यार रोल मैम मॉडल आप क्या बोलना चाहते हैं, बोलिए। आपने काफी अच्छा गाने को डिजाइन किया है जी, पूछिए आपने कितना मेहनत किया इस गाने बहुत ये एक्चुअली जो भी आप कुछ देख रहे हो ये पूरी यूनिट की मेहनत का कमाल है और हमारे बड़ों की दुआओं का कमाल है जो आप सब कुछ देख रहे हो, और आप हमसे इतनी मोहब्बत करते हो कि हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि और कुछ बेहतर करें। तो जो चीज़ें आप देख रहे हो एक्टर्स का लुक्स, उनके एक्सप्रेशन, लेकिन जो चीज़ आप नहीं देख पा रहे हो पर्दे पर वो ये है कि ये दोनों बहुत कोऑपरेटिव है पर्दे के पीछे, बहुत सपोर्ट करते हैं शूट के टाइम, इसीलिए चीज़ें अच्छी निखर के आती है। और रहा सवाल हमारी टीम का तो आप सब कुछ जानते ही है, वन मैन आर्मी अदर सर का टैलेंट और उनकी क्रिएटिविटी नो डाउट, और हम सब ने मिलके एक और नई पेशकश आपके लिए पेश की है, तो हमेशा की तरह इसको भी पसंद करिए और इसी तरह अपना साथ हमारे लिए बनाए रखिए। बहुत बढ़िया गाना लगा, और वैसे कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, हमारे मेंटर और हमारे गार्जियंस मेरी पहली फिल्म का जो आशीर्वाद दिया था सर ने दिया था हरियाणा में दबंग चोरा का, बिल्कुल, और सुपर हिट रही सर की वजह से, और आज ब्लेसिंग्स नए कपल्स को दे रहे हैं, नए जोड़े जो इंडस्ट्री में अभी रिलीज हो रही है, एंड पहले भी गाने आए हैं, और सर का पूरी टीम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इंडस्ट्री में इस तरह की चीज़ें आनी चाहिए, और सर ने एक्सप्लेन जो किया है चाहे कॉस्ट्यूम हो, डायरेक्शंस हो, लोकेशंस हो, वास्तव में कहीं कंप्रोमाइज नहीं है और बहुत बढ़िया है। आज भाई के जन्मदिन पे तोहफा है इंडस्ट्री को, और एक जो ऑडियंस के लिए एक बहुत बेहतरीन तोहफा है, तो मैं यही कहना चाहूंगा ऑल द बेस्ट, कीप इट ऑन। जैसा जी जैसा कि टाइटल है मोहब्बत के अल्फाज, देखो यहाँ वाकई सब मोहब्बत के लोग हैं, आपसी मोहब्बत है, और लगभग सारे लोग जानते हैं रूबरू, सच्चे जुड़े हुए हैं, भाई हरमान हरमन जिसने बहुत अच्छा गाया है,
अजहर भाई, मैं अक्सर हमेशा इनकी आप लोगों के सामने तारीफ करता रहा और ये तारीफ के काबिल है। और आज तो पूरा बादल ले आया है साथ में, स्काई ब्लू कोट पहन के माशाल्लाह छा रहे हैं, गजब धा रहे हैं। मैं तो कहता हूँ इनको अपने आप को भी लॉन्च करना चाहिए म्यूजिक वीडियो में, सच में बहुत काम सुफियान भाई माइनस ट्रेडमार्क का डायरेक्टर। सुफियान भाई सच में ये अच्छा काम करते आए हैं, बार बार इन्होंने प्रूफ किया है कि ये कितने अच्छे अभिनेता है, कैमरा के सामने कितने कैमरा फ्रेंडली है, और जो भी कपड़ों को कैरी करते हैं लोकेशन के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं, और कैमरा के सामने ये दिखते हैं। होते हैं ना कि या तो आप बोलते हो तब दिखते हो या नहीं बोलते हो तब दिखते, ये दोनों तरफ दिखते हैं, अपने अच्छी बात है। और प्रिया, प्रिया ने तो सबका दिल लिया ये अपना अंदाज दिखा के, और अंदाज से बात याद आती है नाज की। नाज ने वाकई बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट डिजाइन किया है, और एज एसोसिएट डायरेक्टर बहुत अच्छा साथ दे रहे हैं अजहर भाई को, और ये दोनों की तालमेल बहुत अद्भुत गजब है, और माशाल्लाह ये तालमेल ऐसे ही बरकरार रहे और ऐसे अच्छे अच्छे काम आपके सामने आते हैं। और ठीक मेरे पिछवाड़े में है लंबे चौड़े फिरोज, बाकी इनसे मैं तो यही बोलूंगा, जब इतना कुछ हमारे भाई ने बोल दिया है तो हम क्या बोले, बाकी सब एक नंबर है, ऑल आर लवली, ऑल आर ब्यूटीफुल, माशाल्लाह सबको ऑल द बेस्ट इन लाइफ। आप नीचे देखो मत, आपने गाना गाया कैसा लगा, और आज वीडियो भी शूट हुआ, रिलीज हो गया, कितने एक्साइटेड राजा जी भी आ जाते हैं। गाना मुझे मतलब गाना मुझे बहुत जोर का लगा, मतलब बहुत अच्छा लगा। और अपने बारे में बताइए, मतलब आपको जब ब्रेक में जाए, आप पहले भी गाने कर चुके हैं कई सारे भाई के साथ, तो मतलब अभी भाई के साथ पहला गाना किया है, वैसे तो मेरे काफी गाने हैं और कर रहा हूँ अभी, इन फ्यूचर हम लोग ने और भी मतलब अभी प्लान किया है, तो गाने बहुत सारे हैं और करने वाले भी हैं। भी आप हरमान नाजिम से, बेशक आप अगर वाकिफ नहीं है तो बता दो, हरमान नाजिम मैं डीडी पे इनका एक शो देखा करता था, उसमें एज अ कंटेस्टेंट हुआ करते थे और विनर भी रहे, साथ ही साथ इन्होंने काफी सारा रियलिटी शो भी किया, और म्यूजिक वीडियो तो जी टी सीरीज बी फोर अल्ट्रा सबके लिए कर चुके, लगभग 500+ म्यूजिक वीडियो कर चुके, और दिल्ली मेरे शहर से ही है। मैंने जब पहली बार हरमान को जब ये म्यूजिक के बारे में बताया और ये लिरिक्स के बारे में बताया, तो भाई ने कोई मुझसे सवाल किए बिना इस लिरिक्स को हाँ कहा, और बहुत ही प्यारी रिकॉर्डिंग की साथ में, उस रिकॉर्डिंग पे साथ में मौजूद थे हमारे सुफियान दबाड़िया एंड प्रिया भी मौजूद थी, और अली खान जी भी मौजूद थे वहाँ पे, तो वो रिकॉर्डिंग का बहुत ही प्यारा सेशन रहा रिकॉर्डिंग का हमारा। उसके बाद रिकॉर्डिंग के बाद जब हमने म्यूजिक सुना कंप्लीट फाइनल मास्टरिंग मिक्सिंग, उसके बाद हमने जब वीडियो का प्लान किया तो इनकी वॉइस बहुत सपोर्ट किया हमें अच्छे से अच्छे मोंटाजेस निकालने के लिए, शूट करने के लिए, क्योंकि वॉइस का एक सबसे इफेक्ट पड़ता है मोंटाजेस पे, जब एक वॉइस को हम लोग शूट करते हैं, लिपसिंग शूट करते हैं, तो हरमान की जो वॉइस है एक्चुअल में, जब सुफियान जब गा रहा था तो मुझे लग रहा था कि ये सुफियान गा रहा है क्या और हरमान नाजिम गा रहा, मैं वहां पे कंफ्यूज था। और हरमान एज एन एक्टर भी काफी सारे म्यूजिक वीडियो कर चुके हैं, क्योंकि मोस्टली जब गाना गाते तो म्यूजिक वीडियो में काम भी करते हैं, तो इस तरह से इनका तारुफ है, बस काम मिल जाता तो कर लेता हूं, वैसे मैं सामने से नहीं करता हूं। अजय जी क्या आप लेना चाहोगे इनको अपने अगले गाने में? नहीं, मैं ये चाहूंगा कि जो हम आगे भी हम एक्चुअली हरमान के साथ में काम कर रहे हैं, तो हरमान को मैं चाहूंगा कि आगे जब म्यूजिक वीडियो हम करें तो एक सिंगर का पार्ट भी होता है वो भी हम डालेंगे, और लीड के लिए माशाल्लाह तैयार है बिल्कुल एज अ लीड हीरो करने के लिए भी, तो जिस तरह से सिलसिला मेरा भी आने वाला है कि बैक टू बैक काम अभी भी कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूंगा, तो जरूर यह मेरे साथ जरूर काम करेंगे आगे भी, और सुफियान भाई तो है ही हमारे साथ, प्रिया है ही हमारे साथ में। सर एक लाइन हो जाए। अपनी मोहब्बत के अल्फाज बेकार न होने देना, दिल अपनी मोहब्बत के अल्फाज ओ Yeah.
और मैं ये भी कहूँगा कि आज राजकुमार कनौजिया जी हमारे बीच आए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिरोज भाई आए, फिरोज भाई से मेरी दूसरी मुलाकात है। बागी मूवी कर रहे थे तो हम एक और फंक्शन में मिले थे, वहां पे भाई ऐसा बॉडी थे वहां पे, तो बहुत उनको नाइट शूटिंग था, वो फाइट सिग्नल आपका शूट हो रहा था, तो उस वक्त आपके जल्दबाजी में मुलाकात थी और वापस प्रॉपर मुलाकात है मेरी। बहुत 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 अच्छा काम करते फिरोज भाई, आप वहाँ पे एंकर आप ही थे। मैं एंकरिंग तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रिया का, वापस से कहूंगा मैं कि बहुत अच्छी बहुत एक्टर से बहुत मेहनती है और सुफियान भी बहुत अच्छा है। सुफियान के साथ मेरा ये दूसरा म्यूजिक वीडियो देख रहा है, तीसरा प्रोजेक्ट है और मैं चाहूंगा कि आगे भी हम लोग काम करते रहे। 6-7 इवेंट हो चुके हैं। बहुत ही जबरदस्त गाना देख कर आया हूँ मैं, जिसकी बोल है मोहब्बत के अल्फाज। और जैसे कि मैंने पूरी टीम से कह दिया है कि इतना सुंदर गाना बना है कि अब मेरे पास कोई अल्फाज नहीं बचे, लेकिन फिर भी मोहब्बत के अल्फाज के लिए कुछ अल्फाज मोहब्बत भरे कहूँगा। वो ये टीम जो है, वैसे भी मेरी बहुत लाडली टीम है, चाहे वो नाज हो, चाहे अजहर हो, चाहे अभी ये सुफियान साहब हो, ये तो हमारे साथ में, ये हम लोग पूरा परिवार का हिस्सा है। जहाँ भी काम करने जाते हैं, जब भी काम करने जाते हैं, वो हर बार हालांकि घर जैसे पुराने हैं, लेकिन इतना सरप्राइज कर देते हैं काम से कि यार ये कैसे नया एंगल लगाया, ये कैसे नए तरीके से कुछ कर लिया, तो ये हमेशा कुछ ना कुछ नया करके इवन घर वालों को वो सरप्राइज कर देते हैं। तो फिर तो मैं समझ जाता हूँ कि अपने दर्शकों के लिए, श्रोताओं के लिए तो ये बहुत बड़ी ट्रीट होगी, ईद की मुबारक ट्रीट होगी। सुफियान का बर्थडे है, उसकी भी जबरदस्त ये गिफ्ट है लोगों को, नाज की तरफ से भी, और हमारे अजहर हुसैन कहीं ना कहीं बिजी होंगे। सर जी हाँ, गहलोत साहब के बारे में क्या कहूँ भैया, गहलोत साहब के धर्म के आगे अच्छे अच्छे गहलोत टिक नहीं पाते हैं। और ये इनका मैगजीन भी चलती है जिसमें हमारी फिल्म गाड़ी गलौज को भी इन्होंने अच्छा प्रमोट किया है, तो गाड़ी गलौज फिल्म को आप भी प्रमोट कीजिए, पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है, जल्दी फिल्म आ जाएगी। और मैडम का जबरदस्त तेजा सिंह प्रिया सिंह का, इससे मैं पहली बार मुलाकात कर रहा हूँ, लेकिन आपने बहुत अच्छा काम किया और बिल्कुल हीरो मटेरियल है, मैं चाहता हूँ। और बिफोर यू के भाई साहब भी आ गए, जुबेर साहब, इनके पास गाना दे दो तो आप करोड़ों रुपये ऐसी रेडोडे कमा सकते हो। मैंने भी लॉकडाउन टोल लॉक के कारण से बहुत कमाया है, बिफोर यू में दिया था। तो प्रिया और जुबेर भाई और अजहर कहाँ नजर, तो ये पूरी टीम को मैं क्या कहूँ, बस यही कह सकता हूँ कि आप सब जियो हजारों साल, रहो हमेशा खुशहाल, टैलेंट से रहो माला माल, दुआओं में घिरे रहो मेरे लाल, यही तहे दिल से दुआ दे रहा आपका फैन सुनील पाल, लव यू ऑल, थैंक यू। हमें इस वीडियो की चाहत न होती अजर तुम ना होते, अजर तुम ना होते, नाज के टैलेंट की खबर फिर ना होती, सुफियान तुम ना होते, गहलोत साहब तुम ना होते, प्रिया तुम ना होती, जुबेर साहब ना होते, और अब और ये मीडिया ना होता, प्यारे दर्शक ना होते। तो मोहब्बत के अल्फाज को मैं कहता हूँ आप सब अपने जबान पे और दिल में रख लीजिए, ताकि जहां भी आप जाए ये मोहब्बत के अल्फाज आपके दिल में भी रहे और जबान पर भी। क्या बात, आज सुफियान ने जन्म दिन है, हम कुछ हैप्पी बर्थडे टू यू सुफियान के जन्मदिन पे। मैं यही कहूंगा कि सुफियान का मुझे 2022 की शुरुआत हो चुकी, लेकिन 2023 में इसे सुपरस्टार बनने से कोई नहीं हो सकता। क्या बात है, क्या बात है, मतलब ये है इसका अभियान कि 2023 में सबसे बड़ा सुपरस्टार बनेगा सुफियान। मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा है, हिरन मटेरियल है, जितनी भी फिल्में बनेगी चाहे रोमांटिक, खासकर रोमांटिक फिल्मों के लिए बिल्कुल हिट और फिट है। और अब मुझे लगता है कि जैसे एक पॉजिटिव वेव्स आ रही है, जैसे आप सब लोग हमेशा साथ देते रहते हैं, मुझे लगता है कि 2023-24 जो है वो धमाल है। सो ऑल द बेस्ट, आप सबको भी बहुत मुबारक हो 2023 की शुरुआत, मतलब अब तो
हम लोग और गाली गलौज के बारे में ये कहूंगा कि स्टैंड अप कॉमेडी में फिल्म है, बहुत सारे स्टैंड अप कॉमेडियन गाली गलौज करते हैं, उसके खिलाफ है, उसके खिलाफ है, उसके खिलाफ है। जैसे गजनी फिल्म में गजनी विलन है, वैसे गाली गलौज फिल्म में गाली गलौज विलन है। बाकी सब प्रोसेस चल रहा है, तो पूरी टीम बहुत साथ दे रही है, सपोर्ट कर रही है। और गाली गलौज में मैंने भी काम किया है। और बहुत अच्छा काम किया है, और बाकी सब हम लोग कही है। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू। अजय भाई क्या अगले